नमस्कार एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास नाइन्थ का मैथ बताने जा रहा हूँ, पॉलीनोमियल बहुपद। मैं पिछले वीडियो नाइन्थ का जो अपलोड किया था बहुपद से, उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ। और यह मैं आपको आर डी शर्मा बुक क्लास नाइन्थ का मैं उससे लिया हूँ। और साथ ही साथ वो जो आपके के सी सिन्हा मैथ बुक में 3.1, 3.2 का चैप्टर से रिलेटेड रहेगा ये, और आर डी शर्मा का बुक का 6.2 से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही घर में आप आसानी से बहुपद का सारा सवाल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बना सकते हैं अपने से। ये आर डी शर्मा 6.2 एक्सरसाइज और के सी सिन्हा 3.1, 3.2 एक्सरसाइज आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। तो इसी आधार पे आपके पास प्रश्न मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको अवश्य बोलूँगा कि आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहें और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन 6.2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का, इफ fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 फाइंड f2। इसका मतलब हुआ कि यदि fx को हम px भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा fx को हम px भी लिख सकते हैं, ये आप लोग इसके लिए कभी भ्रमित नहीं होइएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 फाइंड f2 यानी फाइंड p2 अर्थात p2 भी निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा f2। अब यहां देखिए fx रहता है तो यहां 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 है। तो यहां पे देखिए x के जगह पर क्या है 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 x का वैल्यू क्या है 2, जहां जहां x है वहां पर हम क्या बिठा रहे हैं 2 बिठा रहे हैं और प्लस क्या है 12 है। अब यहां देखा जाए 2 इंटू 2 पे पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम मतलब 3 बार गुना होगा ये, ठीक ना, माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 होगा। फिर देखिए इंटू प्लस 17 है और ये तो 17 गुना 2 करेंगे 34 होगा, 17 टू जा 34 ठीक, अब प्लस क्या है 12। अब ध्यान दीजिएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 फिर देखिए 13 2 26 26 2 52 हो गया, 32 2 26 26 2 52 प्लस। अब यहाँ फिर देखिए, यहाँ देखिए 4 + 2 6 और 3 + 1 4 46। अब यहाँ फिर देखा जाए 46 के पीछे क्या है प्लस और 16 के पहले क्या है प्लस, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे 62 62 6 6 12 4 1 5 5 + 6 माइनस क्या है 52। अब यहां देखिए 62 माइनस 52 इसको तो क्या होता है आंसर, देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है 6.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा और 3.1 से रिलेटेड केसे सिन्हा मैथ बुक से। क्वेश्चन कह रहा है क्या, Verify whether the indicated numbers are zero of the polynomial corresponding to them in the following cases। इसका मतलब हुआ क्या कि सत्यापित करें कि इस बहुपद का x बराबर माइनस 1/3 शून्य है कि नहीं, अर्थात x इक्वल टू माइनस 1/3 ये fx का जीरो है कि नहीं। उसी प्रकार जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है x इक्वल टू माइनस m बाय l इस पॉलीनोमियल का, इस बहुपद का शून्य अर्थात जीरो है कि नहीं है, ये जांच करनी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी पॉलीनोमियल, यदि ध्यान दीजिएगा आप लोगों को मैं बता देता हूं, यदि x इक्वल टू a में ध्यान दीजिए x इक्वल टू a हो, ठीक है, और p a इक्वल टू जीरो हो जाता है, कोई पॉलीनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलीनोमियल है आपका p x, कोई पॉलीनोमियल क्या है p x, ठीक, कोई पॉलीनोमियल p x है, यदि इस x के जगह पर हम a रख लेते हैं और p a जो होता है वो जीरो हो जाता है,
तो वह x का वैल्यू उसका जीरो कहलाता है, x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का शून्य कहलाता है, यानी उसका जीरो कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए एफ एक्स इजक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ x का वैल्यू क्या है देखिए माइनस वन बाई थ्री, तो f माइनस वन बाई थ्री। तो अब देखिए थ्री इंटू एक्स का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री थ्री कैंसिल, तो माइनस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल तो जीरो, तो p माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो देयरफॉर हेंस x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज जीरो, इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक ना, आप तो समझ ही जाओगे x बराबर माइनस एक बटे तीन बहुपद का शून्यक है, क्योंकि p माइनस एक बटे थ्री इक्वल टू क्या हो जीरो। देखिए दूसरा नंबर निकाला क्या है, fx इक्वल टू पॉलीनोमियल जो है fx इक्वल टू lx प्लस m, बहुपद fx बराबर क्या है lx प्लस m, तो कह रहा है क्या x इक्वल टू माइनस m बाय l इसका शून्यक है, यानी इसका जीरो है, ये है तो देख लेते हैं। तो f x का वैल्यू क्या है माइनस m बाय l, तो देखिए l इनटू x है, x का वैल्यू यहां पे x रहता है तो ये x के साथ मल्टीप्लाई क्या है l, तो यहां पर x के जगह पर क्या है देखिए माइनस m बाय l, तो इनटू क्या हो जाएगा माइनस m बाय l, x के जगह पर लिख दिए इसको प्लस क्या है, अब देखिए प्लस m बाय l यानी l और ये गुणा में ये ऊपर में ये l और ये l कैंसिल, तो माइनस m प्लस m, प्लस m माइनस m कैंसिल तो जीरो, तो p माइनस m बाय l इक्वल टू जीरो, इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस m बाय l इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल अर्थात x बराबर माइनस m बटे l शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, आप इसे समझ गए। चलिए मैं अब 6.3 एक्सरसाइज का बताने जा रहा हूँ एडिशन बुक से, 6.2 में सारा सवाल आप लोगों से बन जाएगा और 3.1 में इस सिलसिला से निश्चित आपको सारा सवाल बताना बन जाएगा, मैं पिछले वीडियो में बताया। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx, fx यानी इसको px भी कर सकते हैं और इसको qx भी कर सकते हैं, ठीक ना, fx या gx को बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय qx। तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक में देखिए प्रत्येक जो दिया हुआ है बहुपद उसका शेष ज्ञात करें, उसका शेष ज्ञात करें यदि क्या कर फाइंड रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से शेषफल प्रमेय के माध्यम से प्रत्येक जो दिया गया है उसका शेष निकाले, रिमाइंडर निकाले। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसको पहले जान लें, ध्यान दीजिएगा इफ ए पॉलीनोमियल इज पी एक्स, यदि कोई बहुपद पी एक्स है, समझे ना, इफ ए पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, यानी ध्यान दीजिएगा इफ ए पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए देयर द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट, यानी उसका पी एक्स का जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, यहां पे देखिए क्या है x प्लस ए के रूप में है, तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा माइनस ए, तो उसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा x इक्वल टू माइनस ए के वैल्यू से प्राप्त होगा, अर्थात यहां ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू माइनस ए आइदर पी माइनस ए, पी माइनस ए का जो वैल्यू होगा वही उस पी एक्स का रिमाइंडर होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं यदि एक बहुपद पी एक्स क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस ए से विभाजित होगी तो पी एक्स का शेषफल px का जो बहुपद का शेषफल x बराबर होगा माइनस ए, क्योंकि x प्लस ए बराबर जीरो x बराबर माइनस ए से प्राप्त होगा, अर्थात p माइनस ए से प्राप्त होगा, यही शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले अब देखिए तो डिफरेंट है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है देखिए कहा गया कि px इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, अब qx इक्वल टू क्या है x प्लस 4,
यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि पी एक्स क्यू एक्स को डिवाइड पी एक्स क्यू एक्स से डिवाइड हुआ है, प्रश्न में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x प्लस ए रहता है तो x स्क्वायर पर क्या होता है माइनस ए होता है, यहाँ पे x प्लस फोर है तो डिफरेंट है, यहाँ देखिए जब प्लस ए रहता है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस ए, माइनस ए पुट होता है तो x प्लस फोर है, इस बात से पता चल गया x प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस फोर, इसलिए p माइनस फोर इक्वल टू रिमाइंडर होगा इस पी एक्स का, होगा कि नहीं, तो p माइनस फोर तो x के जगह पर क्या बैठेगा माइनस फोर, माइनस फोर का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस फोर का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है माइनस फोर, माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर एक्स के जगह प्रोवाइड किया प्लस टेन। अब देखिए माइनस फोर का क्यूब है तो यहाँ पे माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर तीन बार टाइम कर थ्री टाइम कर दी, फिर देखिए माइनस फोर का स्क्वायर है तो यहाँ फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर टू टाइम कर दिए, दो बार था दो बार कर दिए, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व और प्लस टेन। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब देखिए फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर तो ये सिक्सटी फोर हो गया क्योंकि चार चौके सोलह, सोलह चौके चौंसठ, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर प्लस ट्वेल्व प्लस टेन। अब देखा प्लस सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर कैंसिल तो ट्वेल्व प्लस टेन इक्वल टू क्या हो गया ट्वेंटी टू हो गया, इक्वल टू ट्वेंटी टू, तो पी माइनस फोर इक्वल टू ट्वेंटी टू, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि पी एक्स को जब क्यू एक्स एक्स प्लस फोर के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर अर्थात डिवाइड करने में जो शेष पल बचेगा वो मैं ट्वेंटी टू होगा भाई सबका, समझे। चलिए मैं आपको इस थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से अर्थात शेषफल प्रमेय से कुछ सवाल आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये घर में बनाएंगे पुनः उसके बाद मैं नौ नंबर का इसका नाइन्थ नंबर का आठ सवाल छः पैंतीन का बताऊंगा, पहले मैं आपको होमवर्क के रूप में ये दिखा रहा हूँ। दो नंबर का ये क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, सेम यही क्वेश्चन है अर्थात ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है अर्थात ये जो पी एक्स बहुपद है क्यू एक्स के द्वारा डिवाइड होगा अर्थात क्यू एक्स के द्वारा ये डिवाइड किया जा रहा है तो इसका शेषफल क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा इसका होता है, जस्ट यही सवाल है, ये आप बना करके मुझे कमेंट में बताएंगे। चार सवाल मैं आपको दे रहा हूँ तो अब मैं नंबर बता रहा हूँ। चलिए ये चलिए आर डी शर्मा क्लास नाइन्थ मैथ बुक का 6.3 का नौ नंबर बताने जा रहा हूँ आपको, मैं इंग्लिश माध्यम एवं हिंदी माध्यम दोनों माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द पॉलीनोमियल्स 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 लिए द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कह रहा है क्या x माइनस 2 को 2 से x माइनस 2 से जब इस पॉलीनोमियल को और इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर सेम आता है तो a का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका हिंदी देखिए यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 दोनों को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है तो a का मान निकालें। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इसको एक पॉलीनोमियल px मान लिया, इसको क्या मान लिया px, तो px इक्वल टू क्या है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और यहाँ देखिए इस बहुपद को इस पॉलिनोमियल को मैंने क्यू एक्स मान लिया, क्या मान लिया लेट ठीक क्यू एक्स इक्वल टू क्या मान लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए मान लिया। अब देखिए कहा है क्या x माइनस 2 दोनों को डिवाइड करता है इसको भी और इसको भी और उसके बाद से यानी इसका शेष निकालना x माइनस 2 दोनों से डिवाइड और इक्वल इक्वल जो है रिमाइंडर प्राप्त करा रहा है इससे तो इसका मतलब हो गया इसमें देखिए x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा जीरो x माइनस 2 से px को भी और x माइनस 2 से qx को भी डिवाइड कर रहा है तो दोनों का शेष क्या हो रहा है समान हो रहा है रिमाइंडर क्या हो शेष
इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, जब माइनस टू हो गया उस पक्ष की ओर चला जाए तो क्या बराबर। इसका मतलब जब दोनों का शेष समान है, रिमाइंडर इक्वल है, तो इसलिए पी एक्स का वैल्यू क्या है, पी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू होगा कि नहीं, बाय क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे x माइनस टू से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो होगा ये पी टू और ये क्यू टू दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बाय क्वेश्चन। अब देखिए पी टू तो यहाँ पर पी एक्स है, तो अब देखिए पी एक्स एक्स के यहाँ पर क्या है टू, तो इसमें बिठाएंगे, देखिए टू इंटू यहाँ देखिए पी एक्स है तो एक्स के यहाँ पर क्या बैठेगा टू, तो टू इंटू एक्स क्यू तो टू का क्यू, फिर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स का वैल्यू क्या है टू का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस क्या है थ्री इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है टू, थ्री इंटू टू, फिर क्या है माइनस फाइव। अब देखिए इस बार क्या है क्यू टू, क्यू टू तो क्यू टू फंक्शन क्या है आपका, ये क्यू टू है पॉलीनोमियल ये है, तो इसका मतलब अब देखिए ध्यान दिया जाए क्यू टू है तो क्यू एक्स यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या बैठा है टू तो टू का क्यू, फिर देखिए प्लस है प्लस दे दी, फिर यहाँ क्यू टू है यहाँ पे टू स्क्वायर, फिर देखिए माइनस फोर इंटू टू है तो माइनस फोर इंटू टू हो गया और प्लस क्या है ए है एक का क्यू। अब यहाँ देखिए टू इंटू टू टू दी पावर थ्री, इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू, क्योंकि टू टू दी पावर थ्री है तो इसको तीन बार गुना करेंगे प्लस ए इंटू टू का स्क्वायर, इसका मतलब दो बार गुना करेंगे, दो गुना दो इसको कर देंगे। अब देखिए प्लस थ्री टू जैसे सिक्सटीन दूनी छः माइनस पाँच बराबर दो पे पावर तीन है, टू टू दी पावर थ्री है तो दो गुने दो गुने दो, फिर देखिए प्लस दो का स्क्वायर है तो दो गुना दो हुआ फोर टू जा एट चार गुने आठ प्लस क्या हो गया एट। अब यहाँ देखा जाए टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, दो दुनी चार, चार गुना आठ, आठ दुनी सोलह। अब देखिए दो दुनी चार, चार गुना ए प्लस फोर ए, टू टू जा फोर ए। अब देखिए सिक्स माइनस फाइव प्लस क्या हो गया इसको, देखिए टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, दो दुनी चार दुनी आठ, फिर देखिए टू टू जा फोर, फोर हो गया और फिर देखिए माइनस क्या है एट और प्लस क्या है एट। अब यहाँ देखिए माइनस एट प्लस एट कैंसिल, माइनस एट प्लस एट कैंसिल, सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन हो गया, सोलह प्लस एक सोलह और एक कितना है सत्रह, फिर देखिए प्लस फोर ए है तो प्लस फोर ए कर दिए इक्वल। अब देखिए केवल इधर क्या बचा फोर प्लस ए बचा, फोर प्लस ए। अब यहाँ देखिए हमको ए का वैल्यू प्राप्त करना है तो यहाँ पे देखा जाए सेवेंटी प्लस फोर है, हम इस पक्ष की ओर लेते हैं तो माइनस फोर होगा क्योंकि यहाँ प्लस है इक्वल ए, अब ये प्लस फोर है उस पक्ष की ओर जाके होगा माइनस फोर ए होगा, एक एक कष्ट पर एक तरफ कर दी सेवनटीन माइनस फोर क्या हो जाएगा थर्टीन, सत्रह में से चार जाएगा तो तेरह घंटे बचेगा। अब देखिए a माइनस फोर है यहाँ पे एक छिपा रहता है एक वन ए और माइनस फोर ए माइनस क्या है थ्री ए, देर ए इक्वल टू माइनस थर्टीन बाय थ्री, यानी ये देखिए थ्री जो है डिवाइड हो जाएगा देखिए माइनस है इसके लिए ए इक्वल टू माइनस थर्टीन बाय थ्री आंसर हो गया इसका नाइन। आज के वीडियो में इतना ही, पुनः मैं आप लोगों के बीच आर्टिस्ट शर्मा का मैथ क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लेकर के आऊँगा, आर डी शर्मा बुक से ही पढ़ाऊंगा और उसी को मैं हिंदी मीडियम से आपको और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँगा।